नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल वाले बटन को दबिए ताकि हमारे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हमें नालियों में कौन कौन से तरीके की जालियाँ लगानी चाहिए, इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें प्लम्बरिंग में या बाथरूम में या घर पर बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, तो उनके क्या क्या नाम होते हैं और उनके लगभग मार्केट में क्या रेट होते हैं। देखिए ये दोस्तों 2 इंच की जाली है, ये 2 इंच की गोली जाली है। ये बहुत ही ज़्यादा रसोई वगैरह में यूज़ होती है जहाँ पर आपको एक ही नाली का पानी निकालना होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर ये। उसी तरीके ये खड़ी जाली है दोस्तों, खड़ी जाली ज़्यादातर छतों पर यूज़ होती है जहाँ पर हमें ड्रेन वाटर निकालना होता है, यानी जो बारिश का पानी होता है वहाँ पर खड़ी जालियाँ लगाते हैं। खड़ी जालियों का कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी। फ़ायदे जैसे कि खड़ी जालियों से पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है, लेकिन इससे कीड़े मकोड़े भी घर पे के अंदर आने की संभावना होती है। तो खड़ी जाली बेसिकली आप उसके बाद ये आपकी गोल जाली है। गोल जाली में देखिए एक कटिंग है बीच में बनी हुई और एक प्लेन है। तो जो कटिंग जाली है देखिए इसका ज़्यादातर यूज़ आपका देखिए ये इस तरीके लगता है, जो आप अपने नहनी टेप या एंड टेप जहाँ पर लगाया है अपने रसोई में बाथरूम में, तो वहाँ पर देखिए एक पानी जाने का रास्ता है और यहाँ से आपका गंदा पानी आता है। जब आप बेसिन लगाते हैं या सिंक लगाते हैं तो उसका जो भी गंदा पानी है वो इसी के थ्रू बाहर निकलता है, तो यहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके आप इसको लगाते हैं। ये कट वाली जाली बेसिन और सिंक की पाइप के लिए ही होता है, ये वाले एरिया से आपका पानी बाहर निकलता है। और यहाँ पर देखिए ये प्लेन जाली जहाँ पर आपको बाथरूम वगैरह में जहाँ पर किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वहाँ ये प्लेन जाली लगाते हैं। तो ये दोनों जालियों को आप आपस में लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये चौकोर, देखिए जो दोनों चौकोर जालियाँ हैं ये वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें खड़ी जाली की आवश्यकता होती। खड़ी जाली का मतलब कि जहाँ हमारा पानी सीधे सीधे निकल जाए। तो देखिए जैसे हमने कहीं ऐसा पाइप लगा रखा है तो वहाँ पर हम इस तरीके की खड़ी जाली का यूज़ करेंगे। ये कई साइजेस में आता है, तो ये जैसे कि आपका 3 इंचेस से 4 इंचेस का है तो वहाँ पर आप इस साइज की खड़ी जाली का यूज़ करते हैं। खड़ी जाली से क्या होता है कि आपका जो भी पानी है वो आसानी से नाली में निकल जाता है, और ये आपका देखिए इसमें आपका कम पानी भी है तो वो भी आखिरी स्टेज में जाके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर आप गोल जाली नहीं लगा सकते, इस जगह ऐसे जहाँ पर इस तरीके का कनेक्शन आपका बना होगा वहाँ पर आप खड़ी जाली ही लगाते हैं। अपने इस बेस पाइप को पहले से जानते हैं जो बेसिन वगैरह में यूज़ होती है। ये स्पैंडल है, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो आप बना रखा है कि स्पैंडल की यानी कैसे बाथरूम की टोटियों में, बाथरूम में ज़्यादातर टोटियां या टोटियों से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसमें इस तरीके का स्पैंडल यूज़ होता है। तो आप इसे कहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा ये तीन साइज का सेपेनेपल, 1 इंचेस, 1.5 इंचेस और 2 इंची का। तो इसको आपको टोटियों के साइज़ को बढ़ाने और घटाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि जब हमारे बाथरूम में टाइल्स लग जाती हैं तो टोटियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, यानी छोटी का मतलब कि टाइल्स लगने के बाद दीवार की मोटाई और बढ़ जाती है, तो उस जगह पे हम और बाहर निकालने के लिए हम इस तरीके के सीपी निप्पल का यूज़ करते हैं। ये अलग अलग साइजेस के आते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं, जो जिस साइज़ की सीपी निप्पल की ज़रूरत होती है। टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन आपको पता है कि पानी के लीकेज को रोकने के लिए जहाँ से आपका जॉइंट है वहाँ पर इसको टेफ्लॉन लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका ये लीकेज नहीं आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा हम इसमें और किस तरीके की वीडियोस डालें वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस लाल वाले बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, शुक्रिया।